करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्यों नहीं पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, हमें साइंटिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाई करना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोजोआ एल्गी बैक्टीरिया वगैरह है उनको क्लासिफाई करना बिहाफ ऑफ देयर इवोल्यूशन रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, या फिर हमें करना उनके फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनको क्लासिफाई करना साइंटिफिकली, उनको अरेंज करना, जैसे बैक्टीरिया कहाँ आएगा, प्रोटोजोआ कहाँ आएगा, मोनेरा कहाँ आएगा, ठीक है, उन सबको क्लासिफाई करना है। ठीक, नेक्स्ट अगर इसी के अंदर देखते हैं नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हरेक स्पीसीज के अंदर, हरेक किंगडम के अंदर, जैसे एनिमल लिया है, प्लांट ही है, ठीक है, तो हरेक मतलब ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में पढ़ना हो, उसको किस कैटेगरी में रखना हो, ठीक है, तो उसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन करने के लिए। अगर मान लो आपको किसी स्पीसीज के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, उस स्पीसीज से कौन कौन रिलेटिव है, उसके कौन कौन रिलेटिव है, कहाँ से इवोल्यूशन होके आया है, ठीक है, उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, फाइलोजेनेटिक, ठीक है, तो अगर वो सब स्टडी करना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की किसी भी स्पीसीज की, क्योंकि अर्थ के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, उनमें से हम क्लासिफाई करना डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें तो उसके हिसाब से पॉसिबल हो सकता है। अब इसके एडवांटेज क्या है क्लासिफिकेशन करने के एडवांटेज, ठीक है, फर्स्ट मेक द स्टडी कन्वीनिएंट, मतलब स्टडी करने में आसान है, इजी में करवाता है, ठीक है, स्टडी के लिए फायदेमंद है, कन्वीनिएंट करवाता है, ठीक है, इजी टू क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने में हेल्प करता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहाँ से कौन इवॉल्व होके आया है, ठीक है, और मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, हमें सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बता सकता है, सेल मॉर्फोलॉजी के बारे में, मतलब प्लांट एनिमल की मॉर्फोलॉजी के बारे में पता लगता है, ठीक है, तो सब स्टडी हमें पता लग रही है किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये हमें फायदा पहुंचाता है। ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके मेन गोल क्या थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, फर्स्ट वन रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि कौन कहां से डेवलप होके आया है रिकॉग्नाइज करने के बाद, ठीक है, इसके बाद आता है मतलब इनको बेसिक यूनिट जो क्लासिफाई है, मतलब इसकी जो रिकॉग्नाइज करने के बाद हमें इसकी बेसिक यूनिट को क्लासिफाई करना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो क्या स्पीसीज है, स्पीसीज को डिस्क्राइब करना, ठीक है, और कैसे एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज रिलेटेड करती है, स्पीसीज को रिलेट करना, ठीक है, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता लगाना, इवोल्यूशन कहाँ से होके आया है उनके बारे में पता लगाना, फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में बताना, ठीक है, फाइलोजेनी के बारे में बताना, हम ये आप बोल सकते हैं फाइलोजेनी ट्री के बारे में बताना, तो सब किसकी हेल्प से मिल पाएगा, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल गोल, मतलब रिकॉग्नाइज करना या क्लासिफाई करना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, स्पीसीज को डिस्क्राइब करना, उसके अंदर स्पीसीज के कैरेक्टर्स कैसे एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कैसे डिफरेंट करती है, ठीक है, इवोल्यूशन फाइलोजेनी के बारे में पता लगाना, वो सब क्या थे गोल, ऑब्जेक्टिव थे इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन अगर आता है हमारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स के बाद, तो कौन सा क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो किसने प्रोवाइड किया था, कार्लोस लिनियस ने इन 1758 के अंदर, कार्लोस लिनियस ने मतलब प्रोवाइड किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन से टू किंगडम थे, कौन से, प्लांटिक और एनिमिलिया, ठीक है,
स्टार्टिंग के अंदर जो क्लासिफिकेशन की थी वो ये थी, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बताया था कि मतलब ये दो किंगडम है जिसके हेल्प से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किसने बताया था? कार्लोस लिनियस ने। अब किन व्याप्ति में डिस्क्राइब किया था इसने, मतलब इसके जो फोर मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसका जो लोकोमोशन वगैरह, लोकोमोशन, सेल वॉल, मतलब सेल स्ट्रक्चर इसने लिया था, सेल स्ट्रक्चर कैसा है उसके व्यापक क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसने इवॉल्व नहीं किया, इसने इसकी मूवमेंट मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो इन सब मतलब इन कैरेक्टर्स के व्यापक इसने, कार्लोस लिनियस ने दो कैटेगरीज में बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया दो किंगडम के अंदर, ठीक है। लार्जेस्ट किंगडम के अंदर प्लांटी और एनिमिलिया, इन्हीं के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। अब इनके अंदर देखो पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू कार्लोस लिनियस, किंगडम जो प्लांटी था उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे? तो फर्स्ट ऑफ शेप एंड साइज की बात करते हैं, ठीक है। शेप, साइज और सिमेट्री की, मतलब साइज और सिमेट्री की बात करते हैं। तो साइज और सिमेट्री इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेरी करती थी, क्योंकि एक प्लांट है और दूसरे प्लांट के कंपेयर में उसकी साइज ज्यादा होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा सनलाइट के लिए ये फैलते जाते हैं, सनलाइट के लिए इनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ज्यादा सनलाइट करनी है, ऑटोट्रॉफ है, सनलाइट गेन करनी है, जैसे इनकी साइज इंक्रीज, एक एक स्पेसिफिक नहीं होती साइज, मतलब चेंजमेंट होती रहती है, ठीक है। अगर सिमेट्री की बात करें तो इसमें इक्वल हिस्सों के अंदर क्लास में मतलब बांट सकते हैं, इसके अंदर इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो इसको इक्वल हिस्से हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सिमेट्री के बाद अगर बात करेंगे तो बॉडी बॉडी शेप साइज की होगी, उसके बाद करें मूवमेंट एंड लोकोमोशन की, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन प्लांट के अंदर कम होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके पास मस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होगा तो इस वजह से इसको मूवमेंट और लोकोमोशन वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ, ग्रोथ काफी स्लोली शो करते हैं, ठीक है। स्लो डेवलपमेंट होता है, साइटोकाइनेसिस इसके अंदर होता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है, स्लो प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर लेके चलते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर फर्स्ट वन अगर इसका जो डाइजेशन की बात करते हैं, मतलब फूड प्रिपरेशन की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, विद, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी इसी हेल्प से गेन कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का कैसा है? ऑटोट्रॉफी नेचर है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वजन अपना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफ हो गए ना न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट वन अगर इसके डाइट मतलब एक्सीलेशन सॉरी रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या करेंगे? CO2 को इनटेक करते हैं, ठीक है, CO2 को इनटेक करेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? एक्सीलेट करेंगे, ठीक है। एक्सीलेशन की बात करते हैं तो एक्सीलेशन बहुत कम अमाउंट के अंदर एक्सीलेट करते हैं, क्योंकि इनका वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि मेनली वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो बहुत कम प्रोड्यूस करता है, तो एक्सीलेशन भी बहुत कम करेगा, ठीक है। और अब इसके बाद आगे चलते हैं इसके टॉपिक के अंदर ही, प्लांटी के अंदर। इसमें आएगा रिप्रोडक्शन एंड इरेटिबिलिटी, इरेटिबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। इसका जो सेंसेशन पावर होता है, जो मस्कुलर टिश्यू होने के कारण, मतलब मस्कुलर टिश्यू ना होने के कारण इसके पास सेंसेशन पावर कम होता है, रिस्पॉन्स बहुत कम शो कर पाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के पास बहुत टाइप का होता है, मतलब सेक्सुअल सेक्सुअल बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस कर रहा है, इरेटिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स किस थे जिससे प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया जाए? और अगर इसका देखा जाए तो सेल स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर इसके पास सेल वॉल है, ठीक है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और
डिक्टोसोम होते हैं, डिक्टोसोम पजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कैटस के सर्जेंट्स के पास स्पेसिफिक पजेंट होते हैं सेल स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल के पास नहीं होते। तो ये कैटस के सर्जेंट के हिसाब से प्लांट किंगडम और प्लांट के क्वेश्चन डिस्क्राइब किया। अब इसी के साथ लेके चलते हैं एनिमल सेल के अंदर, एनिमल को, ठीक है। तो एनिमल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, शेप एंड साइज, शेप साइज सिमेट्री। तो इनकी जो सिमेट्री वगैरह है वो क्या होती है, फिक्स होती है, शेप एंड साइज इनकी फिक्स होती है, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ फास्ट हो करते हैं, ठीक है, फास्ट ग्रोथ होती है इनके अंदर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म के अंदर तो पहले न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन का कैसा होगा, तो न्यूट्रिशन इनका कैसा होगा, हीटरोट्रॉफिक नेचर होते हैं ये, ठीक है, हीटरोट्रॉफिक इन नेचर होंगे। नेक्स्ट वन इसी के अंदर देखते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन मतलब ये CO2 रिलीज करते हैं और O2 को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। फिर अगर मतलब CO2 यूज अप, मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एक्चुअली में इनके पास क्या होता है, CO2 एक वेस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सीडेशन, एक्सीडेशन ज्यादा करते हैं, उनके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है ना, इस वजह से एक्सीडेशन ज्यादा करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट के अलावा इनके पास कार्बोनिक वेस्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, मतलब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के अंदर आ गया। और क्या था इसके अंदर, लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट फास्ट कर पाते हैं, ठीक है, फास्ट होगा इसके अंदर। और इरेटिबिलिटी के अंदर देखें तो रिस्पॉन्स हो करते हैं, रिस्पॉन्स हो करते हैं। और अगर सेल स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, मतलब एंड इसके पास फैगोसाइटिक एंडोसाइट होते हैं, माइक्रोवेलाई होते हैं, फ्लैजेला होते हैं लोकोमोशन के लिए। तो सब इसके पॉइंट्स आ गए जिसके हेल्प से मतलब एनिमल प्लांट का हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये आई जब इसको जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। कौन सी प्रॉब्लम, मतलब मिस्टेक आई उसके अंदर, वो मिस्टेक कौन सी थी, फर्स्ट वन जो मेजर मिस्टेक मान के चलते हैं, मतलब इसके एनिमल एंड प्लांट बोथ कैरेक्टर प्रेजेंट इन ए वन स्पीसीज, हैविंग ए वन स्पीसी, मतलब दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेंगे युगलीना एंड कैलिमेडोमस, ठीक है। युगलीना अगर बात करते हैं तो इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता था, ठीक है, और फ्लैजेला किस लिए होता है, लोकोमोशन के लिए। इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल थे, ठीक है, जो मतलब फूड को गेन करने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। इसके अलावा इसके पास जो मतलब कलर ऑफ मतलब प्लास्टिड प्रेजेंट थे, तो प्लास्टिड कैरेक्टर मतलब सिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, और फोटोसिंथेसिस कैरेक्टर किसका होता है, एनिमल्स का होता है, ठीक है। और यही प्रॉब्लम किसके साथ आई थी, मतलब ये कैरेक्टर्स थे एनिमल्स के और ये कैरेक्टर था किसका, प्लांट का। तो बोथ कैरेक्टर कंटेनिंग है तो ये प्रॉब्लमेटिक होगी, इसको किस में रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट कैलिमेडोमस, कैलिडोमस के पास भी एक वही प्रॉब्लम थी, कैलिडोमस के अंदर इसके पास फिक्स शेप, मतलब फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम प्रेजेंट थी, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था, ठीक है। तो मतलब ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब जिसके पास बहुत एनिमल प्लांट है। ऐसे एग्जाम्पल और भी बहुत थे, जैसे स्लाइम मोल्ड्स का, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट था, ठीक है, और स्पंजिस के पास भी। तो मतलब जिसके पास दोनों एनिमल प्लांट है, बहुत कैरेक्टर्स प्रेजेंट है एनिमल के भी प्लांट के भी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लाइकेन, लाइकेन्स मतलब एक ही बॉडी के अंदर दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कौन कौन से, एल्गी एंड फंगस। अब इनको किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है, क्योंकि एल्गी और फंगस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हो गए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये मतलब एटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक दोनों, मतलब मिक्सोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है, ये है मिक्सोट्रॉफिक का एग्जाम्पल। अब इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, ये भी प्रॉब्लमेटिक होगी। इसके अलावा भी बात करते हैं डायटम्स और प्रोटोजोआ, डाई एटम्स एंड प्रोटोजोआ,
डायरेक्ट प्रोटोजोआ मतलब डायटम्स को तो रख लिया उन्होंने प्लांट के अंदर, और प्रोटोजोआ को रख लिया किसमें, एनिमल के अंदर। लेकिन जो बहुत दोनों के कैरेक्टर एक जैसे हैं, सिमिलर कैरेक्टर थे इन दोनों के पास, ठीक है, तो इनको अलग अलग क्यों किया, ये प्रॉब्लमेटिक हो गई। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स किस कंटेंट है बैक्टीरिया के पास, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ यूकैरियोट भी होते हैं, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके पास फ्लैजेला मूवमेंट के लिए फ्लैजेला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ इन नेचर होते हैं, इसके साथ साथ ये इटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब इसके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक केस यही था बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि इसके पास दोनों कैरेक्टर थे, प्लांट के भी और एनिमल्स के भी। इसके अलावा अगर पांच को देखा जाए तो फंगस, फंगस, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, मतलब स्पोरोफाइटिक इन नेचर, स्पोरोफाइटिक इन नेचर, स्पोरोफाइटिक नेचर होने के बावजूद भी इसको किस कैटेगरी में रखा गया, प्लांट की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था स्पोरोफाइटिक था, फोटोसिंथेसिस तो ये करता ही नहीं, तो इस वजह से मतलब काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक आएगी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कि ये सब कहाँ रखे जाए। तो इस वजह से जो कमियां थी इसकी, शॉर्ट कमिंग्स थी, वो यही थी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन को मान्य नहीं किया गया, मतलब इसको लागू नहीं किया गया। तो इसकी और कम करने के लिए, शॉर्ट कमिंग को और कम करने के लिए कौन आए थे, आर एच विटेकर, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसने दिया था, आर एच विटेकर, इन्होंने दिया था आज विटेकर ने, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।